नमस्कार दोस्तों, माँ की रसोई से .com में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम दाल की एक बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे तड़का मूंग दाल। अक्सर करके माएँ घर में परेशान होती हैं कि बच्चे दाल नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते। तो अगर मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे दाल की, तो बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए पहले इसके देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो तड़का मूंग दाल बनाने के लिए हम लिए हैं यहाँ पे धुली हुई मूंग दाल थी, सूखी मूंग दाल 3/4 कप। उसको उबाल लिया 2 सीटी आने तक। 4 टेबलस्पून हम घी यूज़ करेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून के करीब हम यूज़ करेंगे। और एक बड़ा टमाटर है स्लाइस किया हुआ, धनिया है 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ, 2 चुटकी राई दाना है 1/4 टीस्पून, या ज़रूरत के हिसाब से आप कुटी हुई लाल मिर्च ले सकते हैं 1/4 टीस्पून। हल्दी है, 2 सूखी लाल मिर्चें हैं, और हरी मिर्च भी स्लिट करके हम डाल रहे हैं। चूँकि 3 हम मिर्चें डाल रहे हैं, इसलिए आप मिर्चों की क्वांटिटी अपने जैसा आप तीखापन चाहते हैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 चुटकी मेथी दाना, 1 चुटकी हींग, करी पत्ता 12-15 है। तड़के में हम आधा यूज़ करेंगे, आधा दाल बनाने के समय यूज़ करेंगे। और सॉल्ट टू टेस्ट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तड़का मूंग दाल। सबसे पहले पैन में घी गर्म करेंगे। दो चम्मच घी डाल रहे हैं हम। इसमें हम डालेंगे राई, हींग और मेथी। थोड़ा लाल होने दें, राई और मेथी थोड़ा लाल हो जाएगा, नहीं तो फिर कड़वाहट आने लगती है। थोड़ा लाल हो जाएगा तो हम ये सूखी मिर्चें डाल देंगे। धीमे करके ये आधे टमाटर डाल दें, आधे हम बाद में डालेंगे। ढक्कन लगा के टमाटर गलने तक पकाइए इसे। ये टमाटर हमारे गल गए हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं मूंग दाल। मूंग दाल में हम मिक्स करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक। दाल उबालते समय हम कुछ भी नहीं डाले थे, सिंपल दाल बस उबाले थे। ये सब कुछ डाल के हम लगभग इसे 10-15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे, ताकि बिल्कुल गल जाए। पानी डाल देते हैं थोड़ा सा। थोड़ी सी करी पत्ता भी इसमें हम डाल देंगे, थोड़ा तड़के के समय डालेंगे, और इसे हम ढक्कन लगा के करीब 10-15 मिनट तक पकने देंगे धीमी आंच पर। 15 मिनट बाद हम अपनी दाल चेक कर लेते हैं। दाल हो गई है, अब हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। पैन में 1 चम्मच देसी घी डालें। में हम डालेंगे जीरा। जीरा हम इंग्रेडिएंट लिस्ट बताते समय भूल गए थे। जीरा कड़कने लगेगा तो हम इसमें करी पत्ता, टमाटर, हरी मिर्च, हींग और ये थोड़ी सी धनिया। ऊपर से हम कुछ धनिया डालेंगे गार्निश के लिए, और थोड़ी सी धनिया यहाँ हम डालते हैं। सबका एक पेस्ट जैसा बना लेंगे, फिर हम इसे दाल के ऊपर डाल देंगे। धीमी आंच पर टमाटर को गला लेंगे। पानी भी हल्का सा छींटा मार के हम इसे सॉफ्ट कर सकते हैं। गैस हम बंद कर दिए थे क्योंकि ये बहुत चटक रहा था। गैस ऑन कर लेते हैं। ये तैयार हो गया हमारा तड़का, अब हम इसे मूंग दाल पर डाल देते हैं।
ढक्कन लगा दें। 5 मिनट ऐसे ही ढके रहने दें, उसके बाद हम इसे सर्विंग बोल में निकालेंगे। 5 मिनट हो गए, अब हम अपनी दाल इस छोटी बाल्टी में सर्व कर लेते हैं। दाल आप अपनी चॉइस के अनुसार गला सकते हैं, किसी को बहुत गाढ़ी पसंद है, किसी को पतली पसंद है, किसी को कम गली हुई पसंद है, तो आप उस हिसाब से इसका जो पानी की क्वांटिटी है उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार हो गई हमारी तड़का मूंग दाल। तो दोस्तों कैसी लगी तड़का मूंग दाल की आज की ये रेसिपी? ना इसमें प्याज लहसुन है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा मसाले हैं, बहुत ही बेसिक मसालों के साथ ये बनी है, पर बहुत ही न्यूट्रिशियस है, साथ ही बहुत ही टेस्टी भी है ना, सिंपल बहुत। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और आपकी कैसी बनी अपने सुझाव फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए maakirasoise.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।